अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, इन सत श्री अकाल। कोविड के बाद तकरीबन 1.5 साल के बाद आज घर से निकले। वेल, 1.5 साल में कोई क्वारंटाइन भी नहीं रहा था। कहने का मतलब ये है कि 1.5 साल के बाद आज घर से निकलना हुआ फैमिली के साथ। बेगम इस वक्त जो है वो कैमरा पकड़े, मोबाइल पकड़े खड़ी है। आज का प्लान मेरा था जी अल्क आइलैंड का। ये 25 किलोमीटर अवे है नॉर्थ से, एडमिंटन से, जिस शहर में हम रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहली दफ़ा मैं यहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। पहली टिप ये है कि थोड़ा सा जल्दी निकलें, स्पेशली जब सनी डे हो, क्योंकि आप देख सकते हैं इवन हेयर जब पेंडेमिक है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, फिर भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, रश है। तो इट्स बेटर कि मज़ा उसी वक्त आएगा कि जब आपको थोड़ा सा पिकनिक एरिया मिलेगा, पिकनिक टाइम मिलेगा। करना ये सबसे पहले आप आके, आपने जब आप अल्क आइलैंड की रोड पे एंटर होंगे तो आपने विजिटर सेंटर आना है। स्पेशली वो लोग जो कि न्यू इमिग्रेंट्स हैं, जिनको पता नहीं है करना क्या है। तो मैं आपको बताया, चलो मैं भी इतना ही कंफ्यूज था कि यार क्या करेंगे, कैसे होगा, कौन बताएगा किधर जाना है, किस ट्रेल पे जाना है, किस पे नहीं जाना है। वेरी इजी, बहुत आसान है। जस्ट आपने विजिटर सेंटर आना है, ये आपको एक विजिटर गाइड देंगे, वो आपको सब बताएगी, वो आपको गाइड देगी, वो आपको बताएगी कि आपने पहली डेस्टिनेशन ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, आप उसे बताएं कि पूछेंगे आपसे कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या हैं। नथिंग टू चार्ज, पैसे नहीं लेने के लिए वो आपको बताते हैं कि बेस्ट स्पॉट कौन सा। मुझे उन्होंने रिकमेंड किया कि मैं अस्टॉटन लेक, यहाँ से 3-4 टॉयक लेक है, अस्टॉटन लेक है इसी आइलैंड के एरिया के अंदर ही। तो कुछ ट्रेल्स हैं, तो मुझे ट्रेल नंबर 6 और अस्टॉटन लेक के बिल्कुल साथ ये ट्रेल, ये लूप में ट्रेल है, वो रिकमेंड किया है। और मैं बच्चों को लेकर उधर ही जाऊँगा और देखते हैं आगे। सो स्टे विद मी, चलते हैं स्टॉटन लेक जो कि अल्क आइलैंड के अंदर है, और ट्रेल नंबर 6। स्टे विद मी। अच्छा, करना ये है जब आप गाड़ी में बैठ जाएं तो सिर्फ उस गोरी की बात सुननी नहीं है, उसकी आप जो है, इट्स बेस्ट कि आप जो है वो गूगल मैप यूज़ करें। और अल्क आइलैंड भी काफ़ी बड़ी जगह है, राइट। वैसे तो रोड बिल्कुल सीधी है, आप बिल्कुल स्ट्रेट जा सकते हैं और प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट्स बेटर कि अगर आप मैप यूज़ कर लें तो अच्छी बात है। तो मैंने जनाब मैप यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरे जो एड्रेसेस हैं वो खासे अच्छे हैं और मैं नहीं चाहता कि हम किसी और लेक पे चले जाएं, क्योंकि इट इज़ रिकमेंडेड। अच्छी बात है कि किसी वजह से उन्होंने रिकमेंड किया होता है। तो अनदर टिप कि जो है आप गूगल मैप यूज़ करें। लग रहा है कि सारी दुनिया स्टॉटन लेक जा रही है। मेरे आगे मिशा, एक मिनट क्वाइट। मेरे आगे इस वक्त 6-7 गाड़ियां हैं, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये इधर उधर हो जाए, लेकिन सारों ने ही कंबख्तों ने लेफ्ट टर्न ले लिया। यू कैन सी हाउ मच कार्स वी हैव, कितने लोग इस वक्त तक आ चुके हैं। मज़ा डेफिनेटली आता है, लेकिन ये कि एट द सेम टाइम्स यू लाइक वी हैव टू सी के पार्किंग देखनी है, फिर डिफरेंट इश्यूज होते हैं। जितने प्रॉपर टाइमिंग से आप घर से निकलेंगे तो उतना मज़ा आएगा आपको। ओके, अभी हम पार्किंग में पहुंच चुके हैं। मैं जाके निकल के देखता हूँ, मतलब हम सारे निकल के देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, रश कितना है। ओके, अब सीन ये है कि मैं स्टॉटन लेक के बहुत ज़्यादा जो इर्द गिर्द के बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द के ट्रैक्स पे हूँ, और जल्दी आने का थोड़ा एक पर्पस ये भी था, या होना चाहिए वो ये कि आपको टेबल्स मिल जाएं। बट जब आप यहाँ पर आते हैं आपको टाइम पे टेबल्स नहीं मिलती। मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मेरे बैक साइड पे आप ये स्टॉटन लेक की ग्रीन बेल्ट वाली जो व्हीकल देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए होती है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पर उनसे रابطہ कर सकते हैं। नॉट फॉर दिस कि आपको टेबल चाहिए, पर आप ये कि कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप उनसे आप रابطہ कर सकते हैं। This is another side of Stoughton Lake.
क्या है? ये है जनाब चार्जिंग स्टेशन, और बिजली से चलने वाली गाड़ियां जो हैं वो इन हो चुकी हैं यहाँ पे। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि आस्ता आस्ता जो है ये सिलसिला चल रहा है। ये स्टेशन यहाँ पर दो ही हैं अभी, एक वो लगा हुआ है एक ये लगा हुआ, बट ये कि बिजली की गाड़ियाँ आस्ता आस्ता अब ज़्यादा ट्रेंड में हैं। इनफैक्ट आपको पता होगा मैं थोड़ा वो टोयोटा के साथ भी इन्वॉल्व रहा हूँ स्टिल अभी भी, तो काफ़ी ज़्यादा हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं वो बिक रही हैं। ये भी मैंने कहा चले मैं चलते चलते आपको भी बता चलूँ कि अब पिकनिक स्पॉट्स के ऊपर डिफरेंट जगह पे हमें इस तरह के स्टेशन मिलते हैं, विच शोज़ के आने वाले 8 से 10 सालों के अंदर पेट्रोल की गाड़ियाँ जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी।